हाय, आज मैं फिर से एक बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है मटन तहारी। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाऊंगी और बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनते भी है और बहुत ही टेस्टी और एकदम यम्मी होता है। तो चलो मेरे किचन पे, मैं बनाऊंगी मटन तहारी। जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मटन तहारी बनाने के लिए मटन चाहिए, तो मटन ले लिया मैंने फ्रेश और धो के साफ कर लिया। ये 1 किलो मटन है। और राइस भी ले लिया मैंने, मेजरमेंट कप की 3 कप राइस ले लिया। राइस को धो के भी रख दिया, तो ये राइस जो है फूल के एकदम बड़ा बड़ा हो जाए और जब बनेगा एकदम खिले खिले भी रहेगा। और मसाले में चाहिए दही, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, लेमन जूस, 2 चम्मच घी रखा है मैंने, कसूरी मेथी चाहिए, अदरक लहसुन के पेस्ट चाहिए, 2 बड़े साइज के प्याज चाहिए, इसको कट कर लिया मैंने, और खूब सारा टमाटर चाहिए। 6 टमाटर मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके चॉप कर लिया। और चाहिए धनिया पत्ता फ्रेश, पुदीना पत्ता चाहिए, करी पत्ता चाहिए, और मेथी के साथ चाहिए, और चाहिए ग्रीन चिली। साथ में खड़ा मसाले में 2 बड़ी इलायची, 5-6 ग्रीन इलायची, 10-15 काली मिर्ची, 5-6 लौंग, 2 जायफल, 3 टुकड़ा दालचीनी के और 1 चुटकी जीरा। तो सारे सामान हमने इकट्ठा कर लिया। तो सबसे पहले मटन को हम मैरिनेट करेंगे। हल्दी पाउडर डाल दूंगी, धनिया पाउडर भी, जीरा पाउडर भी, और कश्मीरी रेड चिली, क्योंकि तहारी थोड़ा रेड रेड कलर का होगा तो अच्छा लगेगा। ये तीखा नहीं बनाएगा पर एक अच्छा सा कलर देगा। अदरक लहसुन के पेस्ट 2 चम्मच भर के, नमक भी 1/2 चम्मच, यह है मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार। इन सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करके मटन के पीसेस में अच्छे से कोट करूंगी। तो अच्छे से एक एक पीस को मसाले से कोट कर लिया मैंने। तो अभी मैं इसको ढक के रखूंगी, कम से कम 30 मिनट ढक के रख के मैं बाकी की तैयारी करूंगी। तो मटन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब मटन पकाएंगे। मटन पकाने के लिए एक प्रेशर कुकर में मैंने ले लिया 4 चम्मच ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल लिया मैंने। उसमें मैं डाल दूंगी ये सारे खड़ा मसाला। तो खड़ा मसाला फ्राई होते ही मैं डाल दूंगी ऑनियन, जो मैं मीडियम साइज के 2 ऑनियन को चॉप करके रखा था। प्याज को पहले अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो फुल फ्लेम पे प्याज को फ्राई कर लिया, हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया और कलर भी हल्का सा चेंज हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी करी पत्ता। करी पत्ता डालने से तहारी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो करी पत्ता डाल के साथ ही साथ मैं टमाटर भी डाल दूंगी। मिक्स करके अच्छे से भून लूंगी। फ्लेम पे 5-6 मिनट से मैंने फ्राई कर लिया। टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गया ऑलमोस्ट और पक भी गया। अब मैं डाल दूंगी इसमें मैरिनेटेड मटन। तो मटन डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मटन को भी अभी अच्छे से भुनना है। फुल फ्लेम पे मैं अभी मटन को भी अच्छे से भून लूंगी। तो फुल फ्लेम पे अच्छे से भून लिया मटन को। मसाला, प्याज, टमाटर, मटन सब अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें पानी डाल के प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, क्योंकि हम ज़्यादा पानी अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम तहारी बनाएंगे तभी हम राइस के साथ पानी डालेंगे। अभी मटन बॉयल होने के लिए थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, जैसे कि 1/2 कप मैंने पानी डाल लिया जो मसाला लगा था ये बोल में, उसको धो के मैं उतना सा ही पानी डालूंगी। तो अभी मैं ढक्कन लगा दूंगी प्रेशर कुकर की। मीडियम फ्लेम पे मैं पकाऊंगी 2 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया। अब मैं खोल के देखूंगी।
तो ये जो मटन है मेरा अच्छे से पक चुका है। आप जिसमें मैं तहारी बनाऊंगी, जिस बर्तन में, उसमें पहले मैं मटन को ट्रांसफर कर लूंगी। तो जिस बर्तन में मैं तहारी बनाऊंगी उसमें ट्रांसफर करने के बाद मटन में मैं अभी डाल दूंगी दही, हाफ कप दही। दही को मिक्स कर दूंगी। अभी दही के साथ साथ मैं डाल दूंगी इसमें मेथी के पत्ते और साथ ही साथ कसूरी मेथी भी। अगर आपके पास मेथी के पत्ते नहीं हो तो कसूरी मेथी से काम चल जाएगा, और अगर कसूरी मेथी नहीं हो तो मेथी के पत्ते से भी काम चल जाएगा। टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा तहारी की। तो अभी अच्छे से मैं पकाऊंगी दही को। तो दही और मेथी के पत्ते सब अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश पुदीने के पत्ता और साथ ही साथ फ्रेश धनिया पत्ता भी, और उसके साथ ग्रीन चिली भी डाल दूंगी। बीच में काट कर करके दो ग्रीन चिली मैं डाल दिया बीच में काट कर करके। इन सबको मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी मेजरमेंट, कप के मेजरमेंट से, क्योंकि राइस मैंने लिया था जितना उसके डबल मैं पानी डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने 3 कप राइस लिया तो मैं 6 कप पानी डाल दिया। तो फुल फ्लेम पे 4-5 मिनट तक मैंने पका लिया। पानी अच्छे से बॉयल हो गया, उबाल आ गया। अब पहले से जो भिगो के रखी थी मैं राइस, उसको मैं अभी डाल दूंगी। करीबन 1 घंटा हो गया है राइस को मैं धो के रखी थी, 1 घंटा हो गया। अब मैं डाल रही हूँ, तो राइस डाल के मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अभी मैं डाल दूंगी 1 लेमन की जूस, उसको भी मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो अभी मैं और 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी। टेस्ट करके देखने के बाद नमक डाल रही हूँ, क्योंकि राइस के लिए और ग्रेवी में भी नमक चाहिए। तो नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अभी फुल फ्लेम पे 3-4 मिनट में अच्छे से पकने दूंगी राइस को। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम करके फिर दम पे पकाएंगे। तो फुल फ्लेम पे पका लिया, पानी ऑलमोस्ट सूख ही गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर और मिक्स करूंगी। तो अभी फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी और ढक्कन लगा के दम पे पकाऊंगी जब तक राइस अच्छे से पकना जाए। तो 6-7 मिनट दम पे पकाने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था। गैस बंद करके भी दम पे रखा था ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब मैं डाल दूंगी ऊपर से घी और थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता और 2-4 मिंट लीफ भी, और अभी मैं हल्के हाथों से मिक्स कर दूंगी। तो मिक्स करने के बाद राइस भी अच्छे से पक गया, चेक कर लेंगे। और मटन तो प्रेशर कुकर में जैसे हमने पकाया था वो तो एकदम अच्छे से ही पक गया और एकदम सॉफ्ट भी हो गया। तो अब मैं करूंगी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग कर दिया मैंने, हल्का सा धनिया और पुदीने पत्ते के साथ गार्निशिंग कर दिया। जैसे जैसे थोड़ा हल्का हल्का ठंडा होते जाएगा और राइस और भी खिले खिले होते जाएंगे, तो बहुत टेस्टी एक तहारी, बहुत टेस्टी एक मटन तहारी बन के तैयार हो चुका है। और खिली खिली राइस के साथ एकदम सिंपल और बहुत ही ईजी और बहुत ही साधारण सा इनग्रीडियंट से बन जाता है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लजीज। तो आप लोग भी बनाओ मेरे तरीका से, एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बहुत टेस्टी लगेगा। बना के खाने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा था आज का मेरा ये रेसिपी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।